प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल यानी कि पीपीसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज क्लासिफाइड इनटू तीन स्टेज। सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें प्री प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग इसको तीन भागों में जो तोड़ा गया है, प्री प्लानिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब इसमें अपन आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे प्री प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग में क्या करते हैं एंड कंट्रोल में क्या करेंगे। तो अपन इसका एक दो फ्लो चार्ट वो बनाए। तो ये प्री प्लानिंग है, ये प्लानिंग कंट्रोल। जो प्री प्लानिंग है जो प्रोडक्ट दी जाए प्रोसेस दी जाए थोड़ी जाए एंड फोरकास्ट डिमांड। जो प्लानिंग है प्लानिंग रिसोर्सेज फॉरम प्रोसेस प्लानिंग रूटीन एस्टिमेटिंग कंट्रोल है, उसमें डिस्पैचिंग इंस्पेक्शन इसमें देखिए अपन तो प्री प्लानिंग है, इसमें प्रोडक्ट डिजाइन सबसे अपन पहले प्रोडक्ट डिजाइन लिखते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन में अपन जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का होगा, प्रोडक्ट की डिजाइन क्या होगी, जो आपके
कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है, उसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सर्वे करके प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। उसके बाद प्रोसेस डिजाइन, जो प्रोसेस डिजाइन है कि अपन को इस किस प्रकार बनाएंगे इसको, जैसे कोई डिजाइन प्रोडक्ट है उसको अपनी वेटिंग से बनाएंगे या उसको वेल्डिंग से बनाएंगे या उसको किसी जॉइंट से बनाएंगे। उसके बाद फ्लो डिजाइन, फ्लो डिजाइन में फ्लो जो लेआउट है आपका वो होता है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट अपन किस प्रकार का जैसे प्रोसेस लेआउट लेंगे या प्रोडक्ट लेआउट लेंगे, पिक लेआउट लेंगे, उन्हीं के हिसाब से अपन कोई जो आपका प्रोसेस लेआउट सेलेक्ट करते हैं। फोरकास्ट डिमांड, फोरकास्ट डिमांड में अपन को कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उनकी संख्या अपन निर्धारित करते हैं। इसका इसको निर्धारित करने के लिए अपन मार्केट सर्वे कर सकते हैं, अपना सीजनेबल जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग है, प्लानिंग को प्लानिंग रिसोर्सेज, प्लानिंग रिसोर्सेज में जो 4M है वो है मटेरियल, मैन, मेथड एंड मशीन। इसमें अपन मटेरियल की प्लानिंग करते हैं, मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है जिससे अपने बीच में इंटरप्शन नहीं हो। मटेरियल है जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्ट की 50% कॉस्ट के बराबर होता है, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मशीन्स, मैन, मैन एंड मेथड, इन तीनों को ध्यान में देके प्लानिंग रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। मशीन से अपन देखेंगे कि अपन को स्पेशल पर्पज मशीन चाहिए या जो स्पेसिफिक मशीन चाहिए, जो भी उसी के हिसाब से अपन मशीन लेते हैं। जो मैन है वो अपन को लेबर के हिसाब से, अपन को स्किल्ड लेबर चाहिए या किस प्रकार की लेबर चाहिए, उसको अपन इसमें ट्रेडिंग करते हैं। प्रोसेस प्लानिंग जो रूटीन है, रूटीन में अपन जो आपका मटेरियल है उसका रूट क्या होगा, उसका रूट डिफाइन करते हैं कि स्टार्टिंग में मटेरियल कहाँ जाएगा और वो उस पर कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, उसका रूट ये रूटीन बताएगा। उसके बाद में शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग में अपन मशीन के जो लोडिंग है अनलोडिंग है उन मशीनों की पूरी स्टडी करते हैं कि कोई भी मशीन अभी आइडल नहीं रहे, उसका हर मशीन का शेड्यूल होता है और उसी के हिसाब से उसकी शेड्यूलिंग की जाती है। एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग में अपन हर एक जो ऑपरेशन होता है उस प्रोसेस का टाइम एस्टिमेट करते हैं और उसी के हिसाब से पूरा डिजाइन करते हैं। उसके बाद कंट्रोल में है, कंट्रोल टोटल ही जो प्रोसेस बन गया उसका अपन को कंट्रोल रखना है कि अपन उसको सही ढंग से लागू कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले इसमें डिस्पैचिंग है, डिस्पैचिंग में जो किसी को कोई जॉब दे दिया वो डिस्पैच होकर उसके पास जाएगा और उसी अकॉर्डिंग कार्य होगा। तो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन आपके फॉलो करने के लिए है कि इंस्पेक्शन अपन इसमें 100% इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और कुछ जो अपने हैं सेलेक्टेड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन बाद में भी कर सकते हैं और इन प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसके बाद में एक्सपीडिटिंग, एक्सपीडिटिंग आपके फॉलो अप प्रोसेस है कि जो आपने आपका जो प्रोसेस है या जो भी चीज़ें वो फॉलो हो रही है नहीं। इसके बाद में एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में अपन करते हैं, एवोल्यूशन में अपन करते हैं तो क्या चेंजेज हो सकते हैं, क्या अपन कर सकते हैं उसकी स्टडी करते हैं। और ये तीनों जो आपस में प्लानिंग है उसमें फीडबैक एक दूसरे से फीडबैक लेते रहते हैं। इस प्रकार प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल पर कार्य करते हैं।